ভারতীয় যুব কংগ্রেসের মেম্বারশিপ সংক্রান্ত আলোচনা এবং আগামী ইউথ কংগ্রেস ইলেকশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তীর্ণ পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে আজ শিলিগুড়ির বিধান ভবন তথা কংগ্রেস কার্যালয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জোনাল রিটার্নিং অফিসার শ্রী মীর আক্তার হোসেন মহাশয় এবং কার্যালয়ের কর্মকর্তারা। উক্ত সম্মেলনে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের এই ইলেকশন যেভাবে বিগত দিন ধরে চলে সেটা এবার প্রি লঞ্চিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে। এর পাশাপাশি নমিনেশন স্ক্রুটনি, ফাইনালাইজেশন এবং অবশেষে মেম্বারশিপের কার্যপদ্ধতি 25 মে থেকে শুরু হবে, টানা এক মাস চলবে। এছাড়াও তিনি বলেন, আগামী দিনে যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের এবং দেশের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে। জাতীয় কংগ্রেসের বিচারধারাকে বহাল করার জন্য আজকের যুব সমাজ আগামী দিনে উন্নতিকর পদক্ষেপ নেবে এবং রাজ্য তথা দেশের সমাজ ভবিষ্যৎকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তার বিশ্বাস। অর্ক সরকারের রিপোর্ট, বিগ নিউজ 24x7। मेंबरशिप शुरू हो जाएगा 25 मई से, मई से जून तक एक महीना चलेगा। और अभी सबसे पहले इस बार का प्रोसीड्यूर्स के मुताबिक नॉमिनेशन होगा। कौन कौन के पक्ष से खड़े होने वाले हैं वो आते अपने नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन के ऊपर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद स्क्रूटनी होगा, इसके बाद नॉमिनेशन फाइनलाइज होने के बाद मेंबरशिप शुरू हो जाएगा। एक महीना चलेगा और ये फ्री टू ऑल है, कोई भी आ सकता है, हमारे पार्टी का मेंबरशिप ले सकता है। सिर्फ उनको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वही एलआईसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यूथ कांग्रेस को, जैसे आपने कहा कि कोई भी अबव द एज ऑफ 18 एंड बिलो द एज ऑफ 35 आके इसमें भाग ले सकता है, इसमें मेंबर बन सकता है, तो आने वाले दिनों में किस तरह की आप लोगों की नीतियां हैं, कैसे क्या काम करने वाले हैं? देखिए, एक्चुअली आज के जो हालात है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, आप जानते हैं। और आज पूरे देश का माहौल जो हुआ हुआ है, किसी से ये ढका हुआ नहीं है। तो आने वाले दिनों पे जो गांधीयन हम लोग चाहते थे, गांधी जी जो चाहते थे, माई ड्रीम ऑफ इंडिया, उसको बनाने के लिए युवा कांग्रेस के साथ लोगों को जुड़ना होगा, गांधी की विचारधारा के साथ लोगों को जुड़ना होगा। तभी जाके हम एक शांति वाला माहौल और एक शांति वाला राज्य से लेके शांति वाला देश हम लोग पा सकते।